सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। यू नो दैट हाइट बढ़ाने के लिए 90% आपका डाइट है। अगर आपका डाइट सही नहीं होगा, आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। चाहे आप दुनिया का कोई भी एक्सरसाइज कर लो, पूरा दिन एक्सरसाइज कर लो, डेली आप 10 टाइम एक्सरसाइज करो, दुनिया का महंगा से महंगा सप्लीमेंट्स परचेस कर लो, लेकिन जो डाइट आप घर में खाते हो वो सही नहीं होगा, आपका हाइट नहीं बढ़ेगा। योर डाइट इज 90%, ये कान खोल के सुनो। एंड आप लोग जो डेली मील्स खाते हो, सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, रात में खाते हैं, तो टोटल आप लोग 3 मील खाते हैं। एंड जो 3 मील आप लोग खाते हैं वो भी सही नहीं खाते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग। एंड उससे आपका हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। आई विल सजेस्ट यू टू ईट डेली 5 मील्स। एंड अगर जो आप 5 मील खा रहे हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस है, तो आपका हाइट बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। इस दुनिया में आपका हाइट बढ़ने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। उसके साथ साथ अगर आप सप्लीमेंट्स पे पैसा खर्चा करेंगे तो उस सप्लीमेंट से जो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको 100% मिलेगा, वरना वो सप्लीमेंट इज अ बिग जीरो। तो आज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आपका मील कैसा होना चाहिए। जो भी मील खा रहे हैं, चाहे सुबह खा रहे हैं, दोपहर खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, या स्नैक्स ले रहे हैं, तो डेली आपको 5 मील खाना है, तो आपका मील कैसा होना चाहिए जिससे आपका हाइट ग्रोथ हो। तो आज मैं उसका एक एग्जांपल देने वाला हूं, एंड उसको फॉलो करके आप अपना हाइट को बढ़ा सकते हो। एंड जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है, आप मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका हाइट जल्दी से जल्दी बढ़े, बिकॉज आप बहुत ज्यादा परेशान हो, एंड मैंने इसका चार्जेस बहुत ही लो रखा है, ट्रेनिंग का चार्जेस बहुत लो है, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना हाइट को बढ़ाएं। सो ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड किया जाता है? थ्रू व्हाट्सएप। आप अपने घर में बैठकर ट्रेनिंग ले सकते हो, एंड यह चार्जेस बहुत ही लो है। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, आप इस ट्रेनिंग को अफोर्ड कर सकते हो, बहुत मामूली चार्जेस लगता है। सो आपको मेरा मेल आईडी में कॉन्टेक्ट करना है। अगर मेल आईडी में कॉन्टेक्ट करने नहीं आता है, आप यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू मैसेज ऑन मेल आईडी, आपको पता चल जाएगा। सो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, आप सुबह उठकर क्या खा सकते हो जिससे आपका हाइट बढ़ेगा। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेना है 40 ग्राम ओट्स। ओट्स बहुत ही सस्ता है, एंड ओट्स इज अ सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच इन फाइबर प्रोटीन। फिर ओट्स के साथ आपको क्या करना है, 250 ml मिल्क ऐड करना है। तो मिल्क क्या है, एक कंप्लीट फूड है, एंड अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। उसके बाद ओट्स में हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स, आप काजू, किशमिश, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड जैसे कि फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, ये सब आप लोग ऐड कर सकते हैं, ताकि जो आप ओट मील बना रहे हैं ये और ज्यादा न्यूट्रिशियस बने। फिर आप इसी ओट मील में एक बनाना ऐड कर सकते हो। बनाना इज ए गुड सोर्स ऑफ सोडियम, वाइटामिन्स, एंड गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगा, हाई इन फाइबर। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 अंडा बॉयल करना है, ठीक है। एंड इसी ब्रेकफास्ट में आपको ऐड करना है वेजिटेबल सलाद और फ्रूट्स। तो आपको फ्रूट्स कितना कंज्यूम करना है, 1 कटोरी। तो लमसम आपका बॉडी में क्या क्या जा रहा है, गुड कार्बोहाइड्रेट, यहां से आपको प्रोटीन मिल रहा है, फिर आपका बॉडी में फाइबर जा रहा है, एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इस मील में आपको अराउंड 500 कैलोरीज मिल रहा है, अराउंड का बात कर रहा हूं, ठीक है, लगभग आपको 500 कैलोरीज मिल रहा है। 27 से 28 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, फिर बॉडी में आपको एनफ वाइटामिन्स मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहा है, एंड आपका बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहेगा। एंड जो ये मील है इट इज हाई इन फाइबर, और यहां पे देखो कोई तेल मसाला ये सब कुछ नहीं है। तो आपको इस मील से क्वालिटी चीज मिल रहा है। वही अगर आप अर्ली मॉर्निंग 2 पराठा खाएंगे और आलू भुजिया खाएंगे, या पराठा चाय के साथ खाएंगे, तो फिर क्या होगा, आपको बस कैलोरीज मिल रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपको बॉडी को ना प्रोटीन मिल रहा है, ना एसेंशियल वाइटामिन मिल रहा है, ना मिनरल्स मिल रहा है, ना फाइबर मिल रहा है। तो दोनों मील को आप कंपेयर करके देखो कि कौन बेहतर है एंड किससे आपका ग्रोथ होगा। तो डेली आप जो भी मील खाते हो वो बैलेंस होना चाहिए, इट शुड बी हाई इन प्रोटीन, गुड कार्ब्स, एंड उसमें तेल मसाला ऐसी चीज नहीं रहना चाहिए। फिर आपको सलाद ये सब ऐड करना है, ताकि आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, एंड आपका बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। तो ऐसा होना चाहिए आपका डाइट जिससे आपका हाइट ग्रोथ हो सके।
एंड अगर आपको ऐसा और वीडियो चाहिए, एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लोग टॉपिक्स बताते रहिए, एक भाई ने कमेंट किया था तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, तो आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिप्लाई करूं ना करूं यार, आपका कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी से आपका जिंदगी बदल सकता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू।